है गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, आज का मेरा एक लेटेस्ट हेयर स्टाइल है। ये आप देख सकते हैं किस तरह का मेरा हेयर स्टाइल है, मरमिड हेयर स्टाइल। सो मरमिड आप ब्रेड के साथ किस तरह बनाएं, आइए देखे चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें अपनी कोई भी स्टाइलिंग करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले उसको क्रिम्पिंग कर लें अच्छे से, और फिर उसके बाद आप बैक कॉम्बिंग करेंगे तो अच्छे से हेल्प होगा बैक कॉम्बिंग करने में। सो गाइज, आप देख रहे हैं मैं बराबर से ईयर टू ईयर सेक्शन ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे वॉइस में इसलिए बताना पड़ रहा है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं यूट्यूबर पे, सब मुझे यही बोलते हैं कि आप सर वॉइस से बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसा मैंने बैक कॉम्बिंग किया दोस्तों, पफ वाले सेक्शन ऊपर की तरफ है, जो डाउन पर मैंने नेट लगाया है। ये आप किसी भी डोनट होता है जो नॉर्मल, उसको लूज़ करके आप अच्छे से उसको बॉब पिन के साथ लगा के एक अच्छा अपना हैवी बेस बना सकते हैं। सो गाइज, हमें इस तरह से अपने एक एक सेक्शन को लेना है और नीट करना है, और ध्यान रहे जितने भी बैक कॉम्बिंग होगी आप उसको रूट्स में करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको एक अच्छा वॉल्यूम मिल पाएगा। इसे गाइज, जैसे मैं ये टेलकॉम यूज़ कर रहा हूँ, इसको फोर वाले टेलकॉम बोलते हैं, जिसकी आप किसी भी आप वेब पे जाएंगे और वहाँ से ऑर्डर कर लीजिए, आपको नॉर्मल किसी भी शॉप से मिल जाती है। तो गाइज, आप ये देखिए मैं लेयर किस तरीके से उठा रहा हूँ। लेयर उठाने का जो टेक्निक है वो स्प्रेडिंग करके उठाना है। कुछ लोग लेयर खींचते हैं तो वो लेयर मोटी मोटी बन जाती है, अच्छी नहीं बन पाती। तो हमेशा लेयर लेने के लिए आपने स्प्रेड करना है, तभी आपकी अच्छी आ पाएगी। देखो, मैंने स्प्रे जोन सा इसमें यूज़ किया है, वो मेरा हेड स्प्रे है आपका टॉप वाला श्वासकॉफ ब्लू कलर का। ब्लू कलर का सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग आपका स्प्रे होता है। सो गाइज, अब हम आते हैं फ्रंट पे। तो गाइज, फ्रंट पे आपने हेयर स्टाइल बनाने के लिए एक सेक्शन लेना है। यहाँ पे जो हम हेयर स्टाइल बना रहे हैं वो क्रिस क्रॉस एस टेक्निक वाला फ्रंट है, और काफ़ी छोटी छोटी सी लेयर निकालना है विद बैक कॉम्बिंग के साथ। और फिर स्प्रे आप देखिए मैं किस डायरेक्शन से कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन से मेरा फॉल है उसी डायरेक्शन से आपने स्प्रे करना है। और ये छोटे छोटे हेयर सारे नीट हो चुके हैं। सो गाइज़, ये देखिए आप फ्रंट से मैंने हेयर लाइन का काफ़ी छोटा फ्लिक्स है, और मैंने उसको लाइट से स्प्रेड करना है और स्प्रे कर देना है और हल्की हल्की लेयर निकालना है। सो गाइज़, हमें कोई भी हेयर स्टाइल बनाने के लिए लेयर जब हम निकालते हैं उसको पिनों से होल्ड करना पड़ता है लाइक, तभी वो अच्छी लेयर निकल आ पाती है। सो गाइज़, ये देखिए मैं छोटे छोटे हेयर मैंने आगे की तरफ छोड़ दिए हैं, लॉन्ग हेयर पर मैं स्प्रे कर रहा हूँ और लेयर निकाल रहा हूँ। इस तरीके से उसको ले जाके मैंने बैक साइड टक करना है। सो गाइस, ये देखिए ये मेरा दूसरा सेक्शन हो गया स्टार्ट। यहाँ पे जितने भी आप साइड बाय साइड सेक्शन लेके जाएंगे, पूरा सेक्शन साइड में ले जाके आपने पहले होल्ड करना है, फिर यू पिन से उसको टक करना है। फिर दो सेक्शनों में मैंने डिवाइड किया, बैक कॉम्बिंग किया। बैक कॉम्बिंग करने के बाद मैंने उसको अच्छे से फोल्ड करना है और लेयर निकालना है। अब ये मेरा सेकेंड सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, और आगे देख रहे हैं मैंने फ्लिक्स छोड़ दिया है लाइक। ये हमेशा आपने अपने हेयर स्टाइल में मरमिड में इसी तरीके से करना है, फ्रंट पे शॉर्ट हेयर छोड़ देना है, लॉन्ग हेयर का स्टाइल बनाना है। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मैं स्प्रेड कर रहा हूँ। स्प्रेड करना मेरे फिंगर्स को आप नोटिस करिए, किस तरीके से मैंने फिंगर से लेयर को स्प्रेड कर रहा हूँ और छोटे छोटे हेयर को स्प्रे कर रहा हूँ। और जो आप देख रहे हैं पोनी वाले और जो हमारे पफ वाले हेयर हैं, उनको मैंने ऊपर की तरफ होल्ड कराया हुआ है, और बाकी लेफ़्ट राइट से मैं छोटी छोटी पेटल्स लेके फाइन में टक करते हुए जा रहा हूँ। ये देख रहे हो मैंने ये जैसा एक बॉय को हैंड ओवर करवा रहा हुआ है हेयर को। सो यहाँ पे ये देख रहे हो होल्ड किया हुआ है उन्होंने अच्छे से। मैंने सबसे पहले रबड़ डाला ब्लैक कलर का, देन ब्लैक कलर का रबड़। जब हमने रबड़ यहाँ पे डाल दिया है, उसके बाद आपने हमेशा इसी तरीके से रबड़ को लेना है लाइट लाइट, और रबड़ को लेने के बाद पहले उसको लेयर निकालना है, देन उसके बाद फिर आप देख सकते हैं मैं जो डाउन वाले हेयर है बाकी हेयर को कैसे ऐड करना है। ऐसे आपने रबड़ लिया, ये ब्रेड भी हमने बना दिया है और हेयर स्टाइल भी बना दिया है, तो इससे क्लाइंट को सॉफ्ट लुक दिखेगा और वो अच्छे से बनवा लेगा इस हेयर स्टाइलिंग को। सो गाइज, हमेशा सबसे पहले आप ना कोई भी हेयर स्टाइल बनाए, बट उसमें कुछ ना कुछ आप ऐसी चीज़ ऐड करें जिससे आपका हेयर स्टाइल बहुत प्रीटी दिखे और बहुत ज़्यादा एजिट ना दिखे क्लाइंट, और बहुत बड़ा बड़ा सा हेयर स्टाइल ना दिखे। आजकल बहुत ज़्यादा लेयर बना देते हैं बट प्रीटी लुक नहीं आ पाता है, सो हमें प्रीटी लुक का ध्यान देना है। सो गाइज, आपने मेरी सारी चीज़ें देख ली है। ये मेरा टोंग है, हेक्टर प्रोफेशनल का 25 mm टोंग है। ये फाइनली मेरा लुक है, और मैंने इसको अच्छे से स्प्रे करना है और फाइनली ये लुक देख सकते हैं। सो गाइज, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़ माई यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच।